शांति। आज की तारीख है 3/3/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे जब स्वच्छ पौधों पर 5 विकारों की मैल चढ़ती है तब भ्रष्टाचार बढ़ता है। अब तुम्हें श्रेष्ठाचारी बनना और बनाना है। प्रश्न है, श्रेष्ठ बनने के लिए श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत कौन सी मिलती है? उत्तर है, श्रेष्ठ बनने के लिए बाप की श्रीमत मिलती है कि बच्चे कम से कम 8 घंटे मेरी सर्विस पर रहो। 8 घंटा भले उस गवर्नमेंट की सर्विस करो लेकिन 8 घंटा मुझे याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ, साथ साथ शंख ध्वनि भी करो और सबको कहो कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहकर बाप से वर्षा लो। गीत बजा है, किसने ये सब खेल रचाया, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छिपाया। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर 1 है बाप की याद और ज्ञान सागर के ज्ञान से सुंदर ज्ञान परी बनना है। कदम कदम पर शिव बाबा की मत पर जरूर चलना है। नंबर 2 है श्रेष्ठाचारी बनने के लिए अंदर से भूतों को निकाल देना है, कोई भी भ्रष्ट बनने वाला काम नहीं करना है। वरदान सतगुरु शिव बाबा का, समस्याओं रूपी पहाड़ को झेलने वाले समस्याओं रूपी पहाड़ को झेल कर उड़ती कला द्वारा सेकंड में पार करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि हिमालय पर्वत जितनी बड़ी समस्या को भी पार करने के लिए उड़ती कला की विधि को अपनाओ। सदा अपने सामने सर्व प्राप्तियों को इमर्ज रखो और उड़ती कला में उड़ते रहो तो समस्या रूपी पहाड़ सेकंड में पार कर लेंगे। सिर्फ वर्तमान और भविष्य प्रारब्ध के अनुभवी बनो। जैसे स्थूल नेत्रों द्वारा स्थूल वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे बुद्धि के अनुभव के नेत्र द्वारा स्पष्ट प्रारब्ध दिखाई दे। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो। स्लोगन है, जो सबका आदर करता है, जो सबका आदर करता है वही आदर्श मूर्त बनता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।